नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी हां, लालू यादव समेत उनकी बेटी मीसा भारती, सांसद मीसा भारती और राबड़ी देवी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। ये चार्जशीट दाखिल किया गया है जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में। जी हां, मैं आपको बता दूं कि लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अभी अभी जो खबर आ रही है कि लालू यादव को सिंगापुर जाना है आपको इलाज के लिए, लेकिन इसके पहले उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है, और वो भी आपको जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में। मैं आपको पूरे मामले की बात बता दूं कि आपको 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, और उसके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल किया है, सीबीआई ने दाखिल किया है, और नौकरी देने के मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है आपको। ये दिल्ली की अदालत में दाखिल किया गया है चार्जशीट सीबीआई के द्वारा, जिससे लेकर के कहा जा रहा है कि लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, उनके साथ राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ सकती है, मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ सकती है, सिंगापुर से पहले लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई है। यानी सीबीआई ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है और चार्जशीट दाखिल कर दिया है, कि उस चार्जशीट में ये तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि कैसे जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसी मामले में राजद के एक नेता को भी सीबीआई डिटेन कर रही है, सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है, और उससे बहुत सारी चीजें निकल करके आई है, और उसी को आधार मान करके हाल फिलहाल बिहार में छापे भी पड़े थे, जिसको लेकर के सियासत गर्म हो गई थी। यहां तक कि जदयू ने भी आपत्ति दर्ज किया था कि आखिर ये इतने दिनों के बाद ये मामला कैसे उठता है, क्या महागठबंधन की सरकार बननी उसके बाद बीजेपी को याद आया, या केंद्र की मोदी सरकार को याद आया कि भाई तेजस्वी पर यह चार्जशीट दाखिल करना चाहिए, या तेजस्वी के खिलाफ पूरे मामले आने चाहिए। मैं एक यहां पर जिक्र कर दूं यह भी बात कि हाल फिलहाल हरियाणा में भी छापेमारी की गई थी सीबीआई के द्वारा और ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी, और एक मॉल का, यानी कि एक निर्माणाधीन मॉल के बारे में भी बताया गया था कि यह तेजस्वी का मॉल बन रहा है, यह तेजस्वी का बन रहा है, लेकिन तेजस्वी ने इसका पुरजोर खंडन किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर यह मॉल मेरा है तो निश्चित है कि इसको साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए, लेकिन फिर मोदी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई। इसको लेकर के यहां के महागठबंधन सरकार ने भी स्टैंड किया था कि आखिर इतने सालों के बाद, 4 सालों के बाद फिर सीबीआई को कैसे इस मामले में याद पड़ा। और अभी की सबसे बड़ी खबर मैं बता दूं कि सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। जी हां, दिल्ली की अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया है, और लालू प्रसाद, मीसा भारती और राबड़ी देवी समेत 14 लोगों के खिलाफ यह दाखिल किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि चार्जशीट में जो बातें लिखी गई है या बातों का जिक्र किया है सीबीआई ने, वो क्या कुछ आगे जाकर के गुल खिलाता है, और इसको लेकर के क्या कुछ सियासत और तेज होती है। इस तरीके की तमाम वीडियो देखने के लिए आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें। धन्यवाद।